अब एक चीज मुझे ये बता दो, अब दो ऊंट हैं, ये अक्सर मैं ज्यादातर लोगों से प्रश्न पूछ लेता हूँ, दो ऊंट हैं और एक ऊंट का मुंह है पूरब दिशा की तरफ, एक का है पश्चिम दिशा की तरफ, क्या दोनों ऊंट एक साथ एक समय में एक ही चन्नी में चारा खा सकते हैं? नहीं, नहीं खा पाएंगे। नहीं। खा लेंगे। एक है पूरब दिशा की तरफ मुंह, एक का पश्चिम दिशा की तरफ, पैर के घुटने आगे की तरफ है तो ये पीठ पे लग जाएंगे। ऊंट तो एक है ही है। मेरी बात समझो पहले बाबा, हमने कहा कि दो ऊंट हैं, एक नहीं है, दो ऊंट हैं और एक का मुंह है पूरब दिशा की तरफ, एक का मुंह है पश्चिम दिशा की तरफ, दोनों को एक वक्त में यानी कि एक ही समय में एक ही चन्नी में चारा खिलाना है। संभव है कि नहीं है? असंभव। असंभव है। अच्छा मेरी बात सुन, यहाँ पर खड़े हो कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर? देशराज भैया और विपिन भैया बताओ। देशराज जी देखो, बीच में चन्नी है, अब एक ऊंट को पूर्व को मुंह है, उत्तर बार पश्चिम बीच में खाए ना ले दोनों। इधर आओ, इधर आओ प्लीज भैया, इधर आ जाओ। आपने इसका उत्तर मतलब उत्तर क्या दिया आपने? अरे वो उसने बताया, आपको उत्तर दो। हमने क्या 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 बोलो, बीच में चन्नी है, एक एक पूरब को मुंह है, एक पश्चिम को है, तो बीच में चन्नी कैसे खा लेगू? कौन से हिसाब से खाएगा मैं ज्यादा बताओ। देशराज भैया ये आपकी बात काट कर रहे हैं, कह रहे नहीं हो पाएगा, ये कह रहे नहीं खा सकता। कौन सी दिशा से खाए वो? कौन सी बीच में चन्नी है, एक को तो पूरब को मुंह है, एक को पश्चिम को, चन्नी का बीच में दोनों को रहेगी तो भाग तो भाई खाए भाग भाग कर खा ली दोनों को, यो बीच में तो जैसे बीच में आए एक मिटा के मुंह आए एक तय का एक नहीं मानेंगे आपकी बात, प्रैक्टिकल करके दिखा दो, समझ में आएगी। देशराज भी खिलाफ हो भैया ना, तुझे फिर अब आपको उत्तर नहीं मानो, लकड़ी दे बेटा, दे दो लकड़ी, जाए इसके पास लकड़ी दो, उठाओ लकड़ी, लकड़ी लो ना ले तो खबाब हो ना, खबाई हो ना तो कैसे बात बने भैया? अरे तुम इस लकड़ी के दो टुकड़े करो, बाबा बता रहे हैं कि बात सुनो, इसके दो टुकड़े करो बाबा, बाबा बाबा एक पूरब हो गया एक पश्चिम हो गया, बीच में खाई जाएंगे दोनों खाए कौन से हिसाब से कैसे हुई है? एक को इतना मुंह है, हाँ एक वीडियो आओ वीडियो एक इतना है, एक इतना है, हाँ कुतिया बना बुझा रही हूँ बीच में, दोनों भी नहीं कुछ हैं लोग, हाँ ठीक कर्म ही है, दोनों कर्म का हमारो तो मुंह हमारो इतना ही है, हाँ चल इतना कहो सर, हमारो इतना कहो आपका जाते हैं सही उतार सही उतार नहीं 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 तुम आओ कितने गाला चल ले कोई का मुकाम मर दोनों मुंह का है, तुम चलनी है तुम चलनी है, हमारो इधर मुंह आ गया, हमारे इधर हां इधर हमारो जा रहे हो, तुम्हारो इधर जा रहे हो, तो बीच में खा नहीं सकते कैसे पिछवाड़े आई है भैया? स्वीकार करो स्वीकार करो, सही है सही है सही है सही है सही है, बस चन्नी बीच में बस जेड को मुंह कर रहे हो ताला लगा दीजिए, ताला लगा दीजिए, बिल्कुल राइट आंसर। देखो भैया बहुत देर में समझ पाए आप, बिल्कुल राइट आंसर है, एक का जैसे मान लीजिए एक मैं ऊँट हूँ एक ये है और बीच में है चन्नी, मेरा पूर्व का इनका पश्चिम को है और खा रहे हैं एक साथ। ये प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर चाचा जी मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ऐसा संभव ही नहीं है, दोनों का वो लड़ जाते हैं लोग, जैसे भैया ये बोले ऐसा संभव ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी वो कौन सी चीज है जिसे जो बनी तो पानी से है परंतु उसे सूरज भी नहीं सुखा सकता है?
जे चीज जो है पानी के द्वारा उत्पत्ति पृथ्वी की हुई है और उसे सूर्य भगवान या कोई भी शक्ति उसे सुखा नहीं सकती है। भैया जी जरा फोकस करिए आप बाबा के ऊपर, मतलब पृथ्वी जो बनी हुई है, पृथ्वी के अंदर जो पानी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो चीज पृथ्वी के ऊपर है। जो मैं पूछ रहा हूँ, मेरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो ये है कि वो चीज जो पानी की बनी हुई है और सूरज उसे नहीं सुखा सकता है, वो पृथ्वी के ऊपर ही है, अंदर नहीं। हाँ, तो वो क्या चीज है ऐसी, वही चीज तो बतानी है आपको। बाप आ गया भैया, क्या बताए? बाप बाप बिल्कुल उत्तर के नजदीक आप पहुंच गए। मतलब वृक्ष नहीं है, वृक्ष मतलब पानी से नहीं, और वृक्ष नहीं चलेगा, यही बात है ना। चाहे बनता है सूर्य की किरणों द्वारा नहीं सूखता है वो। दोस्तों अगर इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताइएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। ऐसा वो कौन है जो बूढ़ा हो जाता है फिर भी वो जवान ही रहता है? इतिहास। इतिहास इतिहास जी अंसारी बहुत मजा ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इतिहास अमर रहता है, अमर रहता है, बिल्कुल सही आंसर है। तो क्या नाम बताया इनका दाऊगा? मैं बिलाल मंजारी हो, तो मैं ये जो है बहुत पक्के सच्चे मोदी के। अच्छा, बहुत पक्के सच्चे। नहीं मैंने तो सुना ठाकुर साहब आप अंसारी बता रहे हो, मतलब इतना बड़ा अंतर क्यों कर रहे हो आप? ऐसी वो कौन सी चीज है जो काली है, है तो वो काली मगर दिखती नहीं। ऐसी वो कौन सी चीज जो काली है मगर दिखती नहीं है? जीव तो नहीं है। अरे जीव से ही सब चीज है, अच्छी और जीव काली होती है। हाँ हाँ, दूसरा भैया आँखें, आँखें, लेकिन आँखें तो दिखाई पड़ती हैं भाई। भाई आँख नहीं, आँखें मान लो चलो पुतली उनकी काली होती है परंतु वो दिखाई पड़ती है। ऐसी चीज जो सबसे काली है मगर दिखती नहीं है, दिखती नहीं। हाँ, और ये भी है वो सबकी होती भी नहीं काली, किसी किसी की काली होती है, सबकी काली नहीं होती है। क्या चीज है? काली। अनिल भैया मुस्कुराओ, बताओ, जाके उत्तर दे भैया। अगर किसी को पता है तो बता सकता है। मैंने पूछा कि ऐसी वो कौन सी चीज है जो बहुत काली है, बहुत काली लेकिन सबकी है भी नहीं, दिखती नहीं है। फिर से बताओ। इज्जत सम्मान वगैरह होगा उसी में कुछ? दादा हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। राघवेंद्र भैया चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर होगा कलंक। कलंक बिल्कुल भैया ने सही उत्तर दिया, जरा ताली मार दीजिए भैया के लिए। क्या नाम है? बिल्कुल सही, कलंक, यानी कि जिस व्यक्ति के ऊपर कलंक लग जाता है वो कलंक इतना काला होता है कभी मिटता नहीं और दिखाई भी नहीं पड़ता है। कायली किसको कहते हैं? कायली कहते हैं जी, कायली कलंक, कलंक और कायली जी 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 दोनों आते हैं इसमें जी, कोई अलग नहीं है जी जी जी, कोई कलंक कहता कोई कायली कहता है। बात की चोट लग जाना, बिल्कुल सही, किसी की बात की चोट लग जाना कि इसको ये इसने गाली दी जी 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 जी, चोट लग गया दिल में भर गया, बिल्कुल सही बात है, मानेंगे आपकी बात। ऐसी वो कौन सी चीज है जो आगे तो जाती है परंतु लौटकर वापस नहीं आती है और हमेशा आगे की तरफ ही जाती है, कभी हैं? आ गया आप राघवेंद्र भैया, राघवेंद्र भैया दिमाग लगा रहे हैं, ऐसा नहीं, राघवेंद्र नाम है आपका, ताली मारोगे राघवेंद्र भाई के लिए। बिल्कुल राइट आंसर, जबरदस्त आंसर। समय यानी कि टाइम, लोग कहते हैं कि समय चूंकि पुनिका पछिताने और का बरसा जब कृषि सुखाने, समय वक्त एक ऐसी चीज है चाचा जो एक बार निकल जाने के बाद पुनः वापस नहीं आता। एक बुरा मत मानना बाबा, ठीक है? ऐसी वो कौन सी चीज है जो आगे से भगवान ने बनाई है
और पीछे से इंसान ने बनाई है। ये प्रश्न हमारा गलत नहीं हो, ये कुदरत का बनाया हुआ उसको तब्दीली कर देते हैं, बनावटी बना सकते हैं, लेकिन बनावटी को कभी कुदरत के सामने नहीं, वो तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन मतलब है वो ऐसी कौन सी चीज जो आगे से भगवान ने बनाया उसे और पीछे से इंसान ने बना दिया। बहुत अंदर से बोल लड़की अंदर से बोल गई। जो है बाबा बैलगाड़ी, आगे से उसमें बैल मचाए जाते हैं वो भगवान ने बनाए हैं, और पीछे अब बाबा से बाबा बहुत देर।